नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज मौर्य, आप देख रहे हैं कॉम्पो ट्रिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खास 10 सेटिंग्स के बारे में जिसके बाद आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होने वाला है और यूट्यूब करियर आपका दौड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक एक चीज बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वो कौन सी ऐसी 10 सेटिंग्स है जो आपको जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी आपके यूट्यूब चैनल के ग्रो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन से, ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा स्क्रीन पर दिखाई दे सके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये सारा काम आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है और वहां पर आपको टाइप कर लेना है studio.youtube.com, ताकि आपकी YouTube स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो सके, और वहां पे आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। उसके बाद का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है जो अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ अपने लैपटॉप पर। ठीक है दोस्तों, मैं सीधे ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों लैपटॉप पर मैंने अपनी Y2 स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी उस जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाना है जिससे आपका यूट्यूब अकाउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है सेटिंग का। ठीक है दोस्त, यहीं से हमने वो सारी सेटिंग सीखनी है, वहीं से हमने सारी सेटिंग करनी है। सिंपली हमने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये 5-6 सेटिंग यहाँ पे आती है। सबसे पहले आता है जनरल, फिर चैनल, फिर अपलोड डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी एंड एग्रीमेंट्स। वन बाय वन हम सीखेंगे सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो होता है जनरल। जनरल में बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले करेंसी का होता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। अगर आप अपनी करेंसी को मतलब इनकम को किस चीज में देखना चाहते हैं, डॉलर में या इंडियन रुपीस में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंडियन रुपीज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है चैनल, वो आपका सबसे खास सेटिंग है। चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है बेसिक इन्फो, इसके बाद होता है एडवांस सेटिंग और तीसरा है फीचर एलिजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बेसिक इन्फो में। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मीन्स कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वो आप कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ एरो का निशान है, देख सकते हैं जिस भी कंट्री में आपका चैनल है वहां से आप इस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया से हूँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नीचे उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कीवर्ड्स लगाने का। कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या है, ये टैग्स होते हैं आपके चैनल के रिगार्डिंग, जिस नाम से आपका चैनल है उस नाम से आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लगा लेने हैं। अगर आपको ये शिकायत रहती है कि आपका चैनल YouTube सर्च में नहीं आता है, या फिर आपको ये शिकायत रहती है कि आपकी कोई वीडियो YouTube सर्च में क्यों नहीं आ रही है, तो इसका खास रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आपने अपने YouTube चैनल की सेटिंग में ये कीवर्ड्स लगा ही ना रखे हों। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करते हुए वहां पर टैग लगाते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल में कीवर्ड्स नहीं लगा रखे हैं तो भी आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि चैनल में हमेशा कीवर्ड्स आपके लगे रहने चाहिए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए मैंने अपने चैनल के रिगार्डिंग यहाँ पे कीवर्ड्स लगा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नेम है कंपोट्रिक्स, इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लगा रखे हैं। आप यहाँ पे अपने वीडियोस के रिगार्डिंग भी कीवर्ड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिस जिस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, यूट्यूब के SEO के रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो यूट्यूब के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी अलग अलग तरीके से आप अपने खुद के नेम को, चैनल के नेम को यहाँ पे शो कर सकते हैं। 500 करेक्टर की यहाँ पे लिमिट होती है, 500 करेक्टर तक आप यहाँ पे कीवर्ड्स को लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बेसिक इन्फो में आ जाता है। इतना करने के बाद सिंपली आपने चले जाना है एडवांस सेटिंग में। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स कि आपकी जो वीडियो है वो एडल्ट के लिए है या फिर बच्चों के लिए है, ये आपको डिसाइड करना होगा और यूट्यूब को भी इसके बारे में बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेरी जो वीडियोस हैं वो हैं 18+। ठीक है, 18+ ना भी हो तो 15+, मतलब कि ये किड्स के लिए नहीं है। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ ये यूट्यूब चैनल बनाने के लिए देता हूँ। ये बेसिकली किड्स वीडियो क्या होती हैं, जो कार्टून वीडियोस होती हैं, जो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, जिनमें आप एडल्ट कुछ भी मैटर उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको करना क्या है, जब भी आप चैनल बनाएं, अगर तो किड्स चैनल बना रहे हैं, कोई कार्टून वीडियो वाला चैनल है, या कुछ पोएम्स के रिगार्डिंग चैनल है, जो इनकी राइम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग चैनल है, तो आपको सिलेक्ट करना है यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, अदरवाइज आपको हमेशा नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज अगर आप ये करते हैं आई वांट टू रिव्यू, तो इससे होगा क्या
कि आपको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, ये ऑप्शन बार बार आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये वीडियो बच्चों के लिए है, तो आपको बार बार वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर आपका चैनल बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट के लिए है, तो इस ऑप्शन को आप हमेशा के लिए नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से लिंक हो जाएगा, इसको आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं भी होता तो सिर्फ आपको गूगल एड्स की अपनी आईडी यहाँ पे लिंक करनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे है ऑटोमेटिक कैप्शन। ऑटोमेटिक कैप्शन का मीन्स क्या होता है कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जब भी प्ले हो तो उसके रिगार्डिंग उसके नीचे टाइटल उसका चलता रहे, या मतलब जो भी आप वर्डिंग बोल रहे हैं वो ट्रांसलेट होता रहे, तो उसके रिगार्डिंग ये यूज किया जाता है ऑटोमेटिक कैप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सब्सक्राइबर काउंट का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे इसको अनटिक करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अगर आप इस सब्सक्राइबर को यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने टिक करना है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इससे आपके सब्सक्राइबर को या कोई भी आपके चैनल को देखेगा तो उनको आपके सब्सक्राइबर काउंट दिखाई देंगे कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा इसके बाद देखिए ऑप्शन जो आता है एडवर्टीजमेंट का, इसमें क्या है डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप हमेशा अनटिक ही रहने दें। इससे होगा क्या कि आपकी एड्स की लिमिटेशन बनी रहेगी, अदरवाइज क्या होगा कि आपके इंटरेस्ट बेस्ड ही इस पे एड लगाए जाएंगे। जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो या मोनेटाइज है तो आपको फिर इनकम भी कम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन है क्लिप का। क्लिप का मीन्स ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वीडियो जो भी आप डालते हैं YouTube पर कि उसमें से शॉर्ट वीडियो क्लिप लेके कोई शॉर्ट वीडियो बनाना चाहे तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप खुद परमिशन को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, कोई भी मेरी वीडियो को यहाँ से एज ए क्लिप कोई भी यहाँ से यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। नीचे ऑप्शन आता है अदर सेटिंग्स का। इसमें बेसिकली दो चीज आती हैं, मैनेज यूट्यूब अकाउंट और दूसरा है रिमूव यूट्यूब कंटेंट। सबसे पहले जान लेते हैं रिमूव यूट्यूब कंटेंट के बारे में। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपने कंटेंट डाल रखा है यूट्यूब पर, अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो डिलीट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं गलती से कोई पब्लिश हो चुकी है या फिर चाहते हैं कि उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप उसको कंटेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो इजिली यहाँ से जाके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है मैनेज यूट्यूब अकाउंट का, यहाँ पे क्या ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है आप अपने चैनल के रिगार्डिंग स्टेटस या फीचर्स को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, कुछ एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसी जीमेल आईडी से कोई दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक जीमेल आईडी से आप 50 चैनल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक जीमेल आईडी से 50 यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 50 चैनल मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग एक या दो चैनल ही रन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट की भी सेटिंग कर सकते हैं यहीं से, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स का मीन्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसमें कुछ पार्ट डिस्क्रिप्शन का ऑटोमेटिक उसमें लिखा आ जाए या कुछ टाइटल का, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉमनली यूज करते हैं अपनी हर वीडियो में, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपनी हर वीडियो में, तो उसको बार बार लिखने के बजाय यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। बाकी का डिस्क्रिप्शन आप हर वीडियो में लिखें, जो आपको लगे कि कॉमन है हर डिस्क्रिप्शन में उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैनल के रिगार्डिंग आप कुछ बताते हैं, चैनल के लिंक देते हैं, चैनल के जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया के लिंक देते हैं, तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली हर वीडियो में आपका लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह टाइटल, टाइटल तो वैसे सेपरेटली ही हर वीडियो में लगाया जाता है, अगर आप टाइटल में अपने चैनल का नेम देते हैं तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसी तरह से नीचे आप क्या कर सकते हैं, इसमें विजिबिलिटी को आप परमानेंट सेट कर सकते हैं, जब भी आपकी वीडियो अपलोड होगी तो वो किस तरह से यहाँ पे शो होगी, या तो पब्लिक रखें, प्राइवेट रखें, अनलिस्टेड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो प्राइवेट में ही रखें या अनलिस्टेड, ठीक है। आप पब्लिक कभी ना यहाँ पे सेट करें, जब भी आपकी वीडियो अपलोड होगी तो हमेशा अनलिस्टेड या प्राइवेट ही रहे। टैग्स यहाँ पे लगा सकते हैं अपने चैनल का नेम या और भी कुछ एक दो टैग जो आपको लगे कॉमन, मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ, तो वो यहाँ पे लगा के इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद अगला ऑप्शन आता है एडवांस सेटिंग का। यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग में क्या होता है, सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक चैप्टर का, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से आप यहाँ पे अपनी वीडियोस के लैंग्वेज को बता सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन है लाइसेंस का।
इसका मतलब यह होता है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस कि जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं अगर आपके कंटेंट को यूज करता है तो उस पर आप कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक उसको दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएटिव कॉमर्स का, अगर आप क्रिएटिव कॉमर्स करके वीडियो को अपलोड करेंगे तो फिर कोई भी आपकी वीडियो को यूज करेगा तो उस पर आप कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते क्योंकि आपने उसको कॉमनली यूज करने के लिए ही अपलोड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है कैटेगरी का। कैटेगरी आपको अपने चैनल के रिगार्डिंग सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको लगे कि आपका चैनल जिस कैटेगरी के रिगार्डिंग आता है बाय डिफॉल्ट उसको सेट कर दीजिए। ठीक है, मेरा टेक चैनल है तो इसलिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा है, किसी का एंटरटेनमेंट चैनल होगा, किसी का स्पोर्ट्स चैनल होगा, जो गेमिंग चैनल है, कोई का स्टाइलिंग चैनल होता है, एजुकेशन कॉमेडी, तो अलग अलग तरह से इनके चैनल बने हुए, कैटेगरी बनी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में है। मेरी वीडियो सारी सारी हिंदी लैंग्वेज है इसलिए मैंने हिंदी में रखा हुआ है। मेरा टाइटल इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है तो इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सेट कर दिया है। कैप्शन सर्टिफिकेट आप चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज नंबर के चले। उसके बाद देखिए नीचे क्या ऑप्शन आता है कॉमेंट्स का। आपको हमेशा कोशिश करना है कमेंट्स को होल्ड पोजीशन इनकॉर्पोरेट करना है। चलिए मैं वन बाय वन बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है अलाउ ऑल कमेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई भी कमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई स्पैम कमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो आपको कमेंट इजिली यहाँ पे किए जा सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके रखिए, होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट, मतलब कि जो स्पैम कमेंट होंगे आप उनको रिव्यू करने के बाद ही इसको अलाउ करेंगे। जब अलाउ करेंगे तभी आपकी वीडियो पे कमेंट शो होंगे, अदरवाइज किसी को शो नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है होल्ड ओल्ड कमेंट्स, मतलब कि आप चाहते हैं कि कोई भी कमेंट ऐसे शो ना हो जब तक मैं उसको रिव्यू ना करूँ, तो इसके लिए आपको होल्ड ओल्ड कमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा। फोर्थ ऑप्शन होता है डिसेबल कमेंट्स, मतलब कि आप परमानेंटली उसको डिसेबल कर देंगे, मतलब कि आपकी वीडियो पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेकंड ऑप्शन ही हमेशा सिलेक्ट करें। एक और एक्सपेरिमेंट के तौर पे चल रहा है यहाँ पे इंक्रीज स्टिकनेस, इसको भी आप क्लिक करके रख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नीचे शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे कितने लाइक आए हैं, वो किस किस बंदे को शो होना चाहिए, किसी यूजर को शो होए ना होए, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन को कर सकते हैं। फिलहाल मैंने टिक रखा हुआ है, इसको भी आप टिक रख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है अनटिक करने का, कि सबको पता लगना चाहिए कि आपके वीडियोस पे कितने लाइक आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे इसको कर देना है सेव। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना। और नीचे देखिए परमिशन, परमिशन में बेसिकली होता क्या है कि आप किसी अदर पर्सन को भी इन्वाइट कर सकते हैं अपने चैनल पे कुछ भी अपलोड करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी कब दी जाती है, कोई आपका फैमिली मेंबर है या फिर कोई और जो आपके वीडियोस पे रेगुलर काम कर रहा है, या फिर आप काम कर रहे हैं, या कोई टीम वर्क काम करती है आपके एक चैनल पे, तो वहाँ पे इस फंक्शन का यूज होता है। तो वहाँ पे मल्टीपल पर्सन को परमिशन दी जाती है कि आप इस चैनल को रन कर सकते हैं अपनी भी आईडी से, वो अपनी आईडी से भी इसको चला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ से आप अप्रूव यूजर, यहाँ पे बहुत कुछ है सेटिंग करने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं मॉडरेटर, यहाँ पे कोई ना कोई मॉडरेटर आप रख सकते हैं कि आप किसी भी चैनल का लिंक डाल सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट को, जो आपके चैनल को यहाँ से मॉडरेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अप्रूव यूजर, कि आप अपने कोई भी यूजर को अप्रूव कर सकते हैं जो आपके चैनल को भी देख सकता है, ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद ऑप्शन आता है हिडन यूजर, आप किसी भी यूजर को, किसी भी यूट्यूबर को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, उसके चैनल का सिर्फ आपने यहाँ पे यूआरएल डालना है और वो यूजर हाइड हो जाएगा, ना वो आप पे कमेंट कर पाएगा, ना ही आपको स्पैम कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना ही आपको देख पाएगा। और इसी तरह से आगे देखिए ब्लॉक वर्ड्स, यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं जो आपको लगे सेक्सुअली हरासमेंट वर्ड्स हैं, कोई भी कमेंट करता है, अगर आपको लगे कि अनयूजुअल कमेंट्स है, स्पैम कमेंट्स है, वो यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हैं, अगर वो वर्ड्स किसी भी उसमें यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइक सब्सक्राइब या इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज करता है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से कोई लिंक अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि हैशटैग लगा हुआ कोई भी लिंक यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, तो जो भी कोई हैशटैग लगा के आपकी वीडियो पे कमेंट करेगा ऑटोमेटिकली वहाँ से वो ब्लॉक हो जाएगा। इतना करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट में एक और ऑप्शन है डिफॉल्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कमेंट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लाइव चैट के रिगार्डिंग बता दिया है, होल्ड पोटेंशियल पे ही इसको आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखना है। लास्ट है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ये यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसके रिगार्डिंग ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे कर देना है सेव। ठीक है फ्रेंड्स,
ये सारी सेटिंग्स आपको कर लेनी है अपने यूट्यूब चैनल पर। इतना कर लेने के बाद यकीनन आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और आपका चैनल भी बहुत ही जल्दी तोड़ने लगेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी समझ गए होंगे कि आपके YouTube चैनल में क्या क्या कमियां थी और क्या क्या कमियां हैं, और उन कमियों को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग दूर कर सकते हैं, वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं जो आज आपने इस वीडियो के थ्रू सीखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए फिर मुलाकात होगी इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के साथ, देखते रहिए कॉम्पो ट्रिक्स।